गुड मॉर्निंग जय मुरलीधर। तो जॉब से वापस आ गया, अभी तीनों लोग लग गए हैं काम करने में। तो यही कुछ सुनने को मिला है ना आपको। मैं भी बोर हो गया हूँ और आप तो हो ही गए होंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अब कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे आज भी समझ गए ना, वही काम कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो लग जाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा दिखाने लायक। सभी को देख के वापस आए, तब ये चारा डाल दिया है। पापा चाय पीने आए हैं और हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो अभी मोटर स्टार्ट की है, देखिए वहां से। हाँ, और यहाँ पर भी पानी आएगा, अभी टैंक में जा रहा है। देखो आवाज आ रही है, अरे ना आवाज तो टैंक में जा रहा है, उसके बाद टैंक भर जाएगा तो ये दोनों पाइप से यहाँ पर आएगा। बस बहुत गंदा हो रखा है, लेकिन अब बारिश इतनी थी ना इसलिए सूख ही नहीं रखा है, वरना तो सूख जाता है तो मस्त हो जाता है। और इसके लिए भी करेंगे आगे आगे, लेकिन अभी फाइनेंशियली फ्री होए ना तब हो पाएगा ना यार, क्योंकि बिना पैसों के तो कैसे हो पाएगा ये सब कुछ। तो थोड़ा सा आएगा कुछ ना कुछ तब करेंगे ये भी। अभी के लिए थोड़ा सा पशुओं के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम भी कर रहे हैं, जैसे हमारे घर पे भी पानी पड़ रहा है उस तरीके से। यहाँ पर कीचड़ है तो थोड़ा सा हम आठों लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हम चार और ये चार पशु भी। तो देखो अभी अवेड़े में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो इतना खत तो भर चुका है, अभी पापा को बोल देते हैं बंद कर दियो, बंद कर दो। तो मोटर, हाँ अभी ऑफ हो गई है मोटर, फिर भी थोड़ा सा पानी आता रहेगा टैंक से, तो अब भर जाएगा अवेड़ा। कुआ बोल रहा था, अवेड़ा पूरा भर जाएगा। देखिए वो आउटलेट है वहां तक। अभी कुछ बना नहीं पाता है ना जल्दी जल्दी, इसलिए बिस्किट ले लिया, काम है ना इसलिए, वरना तो घर की चीजें अच्छी होती है। क्या बात है, मेरे लिए भी हिस्सा दे दिया। देखिए क्योंकि पूरा तो इससे कंप्लीट नहीं हो पाने वाला था, इसलिए आधा मुझे दे दिया, वरना तो मुझे मिलने वाला नहीं था। नहीं बोलो चलो खा लेते हैं, फिर वापस लग जाते हैं। तो अभी निकल गए सभी वापस। चलो पापा ने बोतल भी ले ली ताकि वापस ना आना पड़े पानी पीने के लिए। मम्मी हम आए तब बगीचे की तरफ जा रहे थे, आपने देखा होगा, तो वो इसके लिए जा रहे थे। कितनी मस्त बादाम है देखिए, वरना तो हम तो पहली नज़र में देखते हैं ना तो बिगड़ी बिगड़ी ही दिखती है, लेकिन मम्मी ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर आए, देखिए इतनी मस्त मस्त। चलो एक आध दिखा लेते हैं और फिर लग जाते हैं। ये एक एक लाइन ही ले रहे, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। अब तो ज़्यादा बचा भी नहीं है ऐसे देखते हैं तो बागीचे तक तो ये रहा बागीचा। लेकिन वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस अभी ओके हो गई है ऑलमोस्ट। तो पापा ये लगे थे पटोड़ा, तो करते हैं इसमें खरपतवार कर लेते हैं।
तो नहीं है इतना, लेकिन इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये तो कैमरा मैन के लिए छोड़ देते हैं, चलो अब खाना खाने चलते हैं घर पे। तो पापा देख के अभी चाकू रखने जा रहे हैं। पापा ने प्याज कट कर दी, मैंने यहाँ पर सब्जी रेडी कर दी चारों के लिए। बहन सभी सामान ले आ रही थी, मतलब सारा कुछ वासन वगैरह लेने में लगी थी, तो सभी अभी खाने लग जाएंगे। अभी छाछ बाकी है तो वो पापा लेने जा रहे हैं और मम्मी अभी बाहर कुछ करने गए हैं। बाकी आटा बन रहा है इसलिए चक्की की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो चलो अभी सभी खाने लग जाएंगे। इसमें है मिर्च, इसमें है दही, ये है नमक और ये है चना दार की सब्जी। देखिए क्योंकि हर टाइम सब्जी तो मिल पाती नहीं है, इसलिए कभी कभी कठोर का साग भी बनाना पड़ता है। तो चलो अभी खाने लग जाएंगे। इस तरफ ले लेते हैं रोटला, ये सब कुछ। चलो अभी बहना छाछ देगी सभी को, फिर खाना खाएंगे। तो खाना कंप्लीट हो चुका है, अभी सारा कुछ देखिए समेटने का काम स्टार्ट हो गया है मम्मी का और बहन का। अब थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद वापस खरपतवार हटाने सभी चले गए हैं, जाएंगे। और कल नाइट में मैं गया ना जॉब पर, तब से ये बाइक का लीवर वायर है ये बिगड़ गया, देखो पूरा फ्री घूम रहा है। तो अभी से खोलते हैं और फटाफट चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर खरपतवार हटाने जाएंगे। खोल दिया है पूरा, देखो इसमें तो है वायर, ये देखो दिख रहा है ये, तो यहाँ से ये कट हो गया। देखिए ये देखो, ये इतना टुकड़ा निकल गया है, इससे यहाँ पर अटकाया हुआ होता है। हाँ देखिए ऐसे होता है अटकाया हुआ, फिर ऐसे, तो ये यहाँ से कट हो गया है। अब इसे बाजार ले जाना पड़ेगा और केबल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ये फ्री हो गया था इसलिए देखना था कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। तो चलो अभी इसे वापस फिट कर देते हैं फटाफट। बाइक को भी शाम को बाजार ले जाएंगे तो हो जाएगी ठीक, सिर्फ वो केबल है, लीवर एक्सीलेटर वायर है वो चेंज करना है। चलो फटाफट लग जाते हैं वरना मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, तीनों आगे चले गए। देखो वहां तक पहुंच गए, ये बोतल दिख रही है ना ग्रीन, वहां से यहां तक पहुंच गए। तो मैं भी लग जाता हूँ। काटा बेचारा पैर में चुप गया, तो यहाँ पर डाल दिया, वरना वापस जब इम्प्लीमेंट चलाते तब बेल को चुप जाता ना तो बहुत बुरा, इसलिए यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत थोड़ा सा हल्का सा इंच था, तो यहाँ बॉर्डर पर डाल दिया था, वापस इम्प्लीमेंट चलाया था, पापा का भी ना चुप गए। मम्मी ने बफेलो का मिल्क निकालना स्टार्ट कर दिया है। देखिए शाम को खरपतवार अंडा करा ले, अभी मिल्क भरने जा रहे हैं मैं और पापा दोनों आज, तो क्योंकि इस बाइक में एक्सीलेटर वायर चेंज करवाना है ना, इसलिए ये रस्सी भी ले ली है, इससे पीछे टहरते हुए ले जाएंगे टहरते हुए। तो चलो अभी मैं और पापा निकलते हैं मिल्क भरने के लिए और ये बाइक का काम करवाना है। तो गाइस अभी वापस आ गए हैं घर पे, वीडियो एडिट कर रहा था उसके बाद आपको बाइक दिखा रहा हूँ। तो अब तो कम्प्लीट हो गया है एक्सीलेटर वायर केबल, मस्त काम कर रहा है एक्सीलेटर। अब तो केबल कट हो गया था, वो आगे आपको दिखाया ना, तो आपको
बाकी चाचा के पास बैठे थे ना चाचा के घर पे, इसलिए इतनी देर हो गई। चलो अब शाम का खाना भी कंप्लीट हो गया है, खाना खा लेंगे। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।